आज हम कमर दर्द, घुटनों के दर्द और जोड़ों के दर्द के लिए एकदम नई रेसिपी लेकर आए हैं। ये शरीर के लिए बहुत ही फायदेमंद रेसिपी है। इसको खाने से दिमाग तेज और शरीर चुस्त दुरुस्त रहता है। इससे शरीर को काफ़ी एनर्जी मिलता है। ये जल्दी खराब भी नहीं होंगे। इसको आप एक बार बनाकर स्टोर करके काफ़ी समय तक खा सकते हैं। नमस्कार, आप सभी के मेरे चैनल पर स्वागत है। तो चलिए हम रेसिपी बनाना शुरू करते हैं। तो सबसे पहले हम अलसी को भुनेंगे। पैन में हम 1/4 कप अलसी को डालेंगे और इसको मीडियम आंच पर बराबर चलाते हुए अच्छे से चटका लेते हैं। अलसी सेहत के लिए बहुत ही फायदेमंद होता है। इसमें प्रोटीन भरपूर मात्रा में पाया जाता है। जब अलसी पूरी तरह से चटक जाए तो समझ लीजिए अलसी भुन गया है। आप देख सकते हैं अलसी किस तरह से चटक रहा है। अलसी भुन चुका है। अब इसे हम एक प्लेट में निकालेंगे। अब अलसी को हम एक साइड में रखेंगे। अब पैन में हम थोड़ा सा घी डालकर गरम करेंगे। घी गरम हो गया है। अब इसमें हम थोड़ा सा गोंद डालकर फ्राई करेंगे। गोंद को बराबर चलाते हुए सुनहरे रंग में फ्राई कर लेते हैं। गोंद जब फूलकर क्रिस्पी हो जाए तो समझ लीजिए गोंद भुन गया है। तब इसे हम पैन से निकाल लेंगे, लेकिन इसे हम चलाना नहीं छोड़ेंगे, बराबर चलाते हुए भुनेंगे जिससे गोंद जले ना। अब गोंद अच्छे से फ्राई हो चुका है। इसे हम एक प्लेट में निकाल लेते हैं। अब गोंद को हम साइड में रखेंगे। अब पैन में हम फिर से 1 चम्मच घी डाल देते हैं। अब इसी में हम 1/4 कप बादाम को डालकर भुनेंगे। बादाम के फायदे तो सभी जानते हैं। इसको खाने से हड्डियां मजबूत और दिमाग तेज रहता है, क्योंकि इसमें प्रोटीन फाइबर भरपूर मात्रा में होता है। अब ये बादाम भी भुन चुका है। इसको भी हम एक बर्तन निकाल लेते हैं। अब पैन में जो घी बचा है इसमें हम काजू डालकर भुनेंगे। तो पैन में हम 1/4 कप काजू डालेंगे। काजू भुनने में बहुत ज़्यादा समय नहीं लगता है, ये जल्दी से लाल हो जाते हैं। इसे हम केवल हल्के सुनहरे रंग में भुनेंगे। काजू को भुनने के बाद अब इसे हम उसी बर्तन में निकालेंगे जिसमें हमने बादाम को निकाला है। तो एक साइड में हम काजू को निकाल लेते हैं। अब पैन में हम पिस्ता को डालकर भुनेंगे। पैन में घी बचे हैं तो इसमें हम 1 बड़े चम्मच पिस्ता डालकर भून लेते हैं। पिस्ता हृदय स्वास्थ्य के लिए बहुत ही फायदेमंद होता है और ये आँख के लिए भी फायदेमंद है। इसको खाने से वजन भी कंट्रोल में रहता है, तो ये भी सेहत के लिए बहुत ही फायदेमंद है। पिस्ता भुन गया है, इसको भी उसी प्लेट में निकाल लेते हैं। सारे मेवा को भूनकर हम एक ही प्लेट में निकालेंगे। अब इसी में हम थोड़े से कटे हुए सूखा नारियल डालकर भुनेंगे। नारियल को हमने इस तरह से पतले फर्रे में काट कर लिया है, इसे जल्दी से फ्राई हो जाते हैं। नारियल को हम हल्के सुनहरे रंग में होने तक भुनेंगे। अब ये नारियल भी भुन गया है। अब पैन में हम थोड़ा सा घी और डालेंगे। घी गर्म हो गया है। अब इसमें हम 1/4 कप किशमिश को डालकर भुनेंगे। किशमिश को भुनने में बहुत कम समय लगता है, ये गर्म होते ही फूल जाते हैं। किशमिश जब पूरी तरह से फूल जाए तो समझ लीजिए भुन गया है। आप देख सकते हैं किशमिश पूरी तरह से फूल गए हैं, यानी कि भुन चुके हैं। उसी प्लेट में हम इसको भी निकाल लेते हैं। पूरे मेवा को भुनकर हमने एक प्लेट निकाल लिया है। पैन में घी बचे हैं, अब इसमें हम मखाने को भुनेंगे। पैन में लगभग 1 कप मखाना डालेंगे और इसे बराबर चलाते हुए ऊपर से क्रिस्पी होने तक भुनेंगे। मखाने को भुनने में 3 से 4 मिनट लग जाते हैं, लेकिन जब ये अंदर तक सिकेगा तभी क्रिस्पी होगा। अब मखाना अच्छे से भुन गया है। इसे हम गोंद वाले प्लेट में निकालेंगे जिसमें हमने गोंद को फ्राई करके निकाला है, उसी में इसको भी निकाल लेते हैं। अब पैन में हम 1 चम्मच घी और डालकर गरम करेंगे। घी गरम होने के बाद अब इसमें हम 1/2 कप सूजी को डालकर भुनेंगे। सूजी को हम बराबर चलाते हुए 4 से 5 मिनट तक भुनेंगे जिससे सूजी में कच्चा पन न रहे, ये अच्छे से भुन जाए। गैस को हमने मीडियम में रखा है, इसको हम मीडियम आंच पर भुनेंगे। सूजी को लगभग 3 मिनट भुनने के बाद अब इसमें हम 1 बड़े चम्मच सौंफ का पाउडर डालेंगे। इस सौंफ का पाउडर हमने घर पर बनाया है। सौंफ को पीसकर हमने छन्ने में डालकर चाल लिया है। जो अलसी हमने भुना था इसको भी डालेंगे। अब इसे हम सूजी में मिलाते हुए 2 से 3 मिनट तक और भुनेंगे जिससे सूजी के साथ साथ सौंफ भी अच्छे से भुन जाए।
इस रेसिपी में सौंफ बहुत ही अच्छा लगता है। आप चाहें तो इसमें अपने हिसाब से मेवा कम ज़्यादा कर सकते हैं, लेकिन सौंफ को पाउडर जरूर डालें, इससे बहुत ही बढ़िया फ्लेवर आता है। अब सूजी पूरी तरह से भुन चुका है, पैन को हटाकर हम साइड में रखेंगे और अब इसके लिए हम चाशनी को बनाएंगे। गैस पर हम दूसरा पैन रखेंगे। चाशनी के लिए हम पैन में डालेंगे 100 ग्राम गुड़ और इसी में लगभग 2 बड़े चम्मच पानी को डालेंगे। अब गुड़ को हम अच्छे से चलाते हुए गला लेते हैं। चाशनी हम बहुत गाढ़ा नहीं बनाएंगे और बहुत पतला भी नहीं करेंगे, हल्की गाढ़ी चाशनी हम बनाएंगे। चाशनी को बहुत ज़्यादा देर तक पकाने की जरूरत नहीं है। गुड़ गलने के बाद जब चाशनी अच्छे से पकने लगे तो समझ लीजिए चाशनी तैयार है। आप देख सकते हैं गुड़ पूरी तरह से गलकर चाशनी पक रहा है, ये चाशनी तैयार है। अब गैस को हम बंद करेंगे और चाशनी को हम सूजी में डालकर मिलाएंगे। पूरे चाशनी को हम छानकर सूजी में डाल देते हैं। चाशनी को हम सूजी में अच्छे से मिला लेते हैं। चाशनी को मिलाकर इसको हम 5 मिनट के लिए साइड में रखेंगे, जिससे सूजी इसमें फूल जाए। तब तक हम मेवा को तैयार करेंगे। यहाँ पर हमने जो मखाना भुना था इसमें से हम थोड़े से मखाने को निकाल लेते हैं। अब गोंद और बचे हुए मखाने को हम दरदरा करेंगे, तो इसे हम कटोरी से तोड़ते हुए दरदरा कर लेते हैं। हम इसको बहुत बारीक नहीं करेंगे, थोड़ा मोटा दरदरा रखेंगे, इसलिए इसको हम कटोरी से तोड़ रहे हैं। मिक्सर में पीसने से बहुत बारीक हो जाएंगे। मखाने और गोंद को हमने इस तरह से दरदरा बना लिया है। अब इसे हम सूजी में डालेंगे। पूरे गोंद और मखाने को हम डाल देते हैं। अब यहाँ पर हमने जो मेवा फ्राई किया था, थोड़े मेवा को हम इसमें से निकाल लेते हैं और बाकी के मेवा को हम जार में डालकर पीसेंगे। अब इसे हम साइड में रखेंगे और जो बचे हुए मेवा है इसको हम जार में डालकर पीस लेते हैं। मेवा को हम बहुत महीन नहीं करेंगे, इसे दरदरा पीसेंगे, तो पूरे मेवा को हम जार में डाल देते हैं। आप देख सकते हैं इतना दरदरा मेवा हमने पीस लिया है। अब इसको हम सूजी में डाल देते हैं। और जो मेवा हमने खड़ा निकाला था इसको भी डालेंगे। अब सारे चीज़ों को हम अच्छे से मिलाकर पंजीरी बनाएंगे। इसको हम हाथ से मिलाएंगे, जिससे पूरा मेवा सूजी में अच्छे से मिल जाए, क्योंकि इसमें गुड़ की चाशनी पड़ी है तो सूजी पैन के तले में बैठ गई है, इसलिए हम सारे चीज़ों को हाथ से अच्छे से मिला लेते हैं। ये मेवा वाली देसी पंजीरी है, खाने में बहुत ही बढ़िया लगता है और काफ़ी फायदेमंद भी होता है। ये जल्दी ख़राब नहीं होते हैं, इसको आप एक बार बनाकर स्टोर करके काफ़ी समय तक खा सकते हैं। सारे चीज़ों को हमने अच्छे से मिला लिया है। आप देख सकते हैं पंजीरी खाने के लिए तैयार है। यह पंजीरी घर में बच्चे, बड़े, बूढ़े सभी खा सकते हैं, ये सबके लिए है। ध्यान रखें यह पंजीरी के लिए चाशनी ज़्यादा न बनाएं, क्योंकि चाशनी ज़्यादा रहेगा तो पंजीरी गीला हो जाएगा। आप इस रेसिपी को जब चाहे तब बना सकते हैं, ये हर मौसम के लिए फायदेमंद है। ये मेवा वाली देसी पंजीरी आपको कैसा लगा ये आप हमें ज़रूर बताएँ।